नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या स्टॉक मार्केट क्रेश होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ जो है अभी आप मार्केट में सुनते होंगे। कई सारे यूट्यूब चैनल्स भी बार बार आपको कहते हैं कि मार्केट आगे क्रेश होने वाला है, तो इसके बारे में हम भी जानेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट अगर क्रेश होता है तो आपको बच के रहना है। आपके पास जो भी ब्लू चिप कंपनियों को छोड़ करके जो भी स्टॉक्स होगा उसे एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे संकेत मिले स्टॉक मार्केट के क्रेश होने का, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस का, तो आपको बाहर हो जाना चाहिए या नहीं, तो ये सारे बातों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम सर्टेनली नहीं कह सकते स्टॉक मार्केट क्रेश होगा या स्टॉक मार्केट यहां से 11,000 जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट नीचे 9,000 भी जा सकता है, 11,000 भी जा सकता है, तो आपको खुद डिसीजन लेना है। तो जैसे संकेत मिलता है तो आपको तुरंत जो है अपने शेयर से बाहर आ जाना है। ब्लू चिप कंपनियां जो भी आप बाय किए हैं लोअर प्राइस पर, उसे में बने रहना चाहिए, या चाहे तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए यहां से देख लेते हैं। ये देखिए, एक आर्टिकल है, समथिंग वेरी ऑड हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही ऑड हो रहा है कि कोरोना वायरस केसेस लगातार मतलब हाई होते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 40 मिलियन पीपल यहां पर देख सकते हैं, 40 मिलियन पीपल जो है अनएम्प्लॉयमेंट को भी फील किया है। उसके बाद भी मार्केट लगातार राइज कर रहा है, चाइना के साथ जो ट्रेड वार है, जो रिलेशन है वो भी ख़राब हो रहा है। तो सारे ये चीज़ होने के बाद जो वहाँ का नेस्डेक है वो अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 23 मार्च को जो स्टॉक मार्केट क्रेश हुआ था उससे काफ़ी रिकवर होकर के फिर से अपने जो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। तो ये सारे सिनेरियो है जो कि बताता है कि आगे मार्केट में अगर ये बबल फूटता है तो अब मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है। उसके बाद जो हमारा है डॉ जोन्स में आप देखते होंगे जिस दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो, मतलब 2%, 3%, 4% का, तो हमारे मार्केट में भी गिरावट होती है। मतलब हम जो चलते हैं अमेरिकन मार्केट के अनुसार, मतलब ग्लोबल मार्केट के अनुसार चलते हैं। ग्लोबल मार्केट में जैसे गिरावट होती है, जब इसमें लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट, मतलब लोअर सर्किट कब लगा, अपर सर्किट तो देखने नहीं मिला, लोअर सर्किट लगा था वही 23 मार्च के आसपास। तो उस फरवरी और मार्च में जब लोअर सर्किट लग रहा था यहां पर, तो हमारे मार्केट में भी लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, मतलब इसमें गिरावट तो हमारे मार्केट में भी गिरावट यहां पर देख सकते हैं। इसमें जो लगातार गिरावट हुई थी 23 मार्च, तो हमारे यहां भी कब तक गिरावट हुई, 23 मार्च तक। जब ये बाउंस बैक किया तो हमारा मार्केट भी बाउंस बैक किया। मतलब हम ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से कनेक्ट हैं, जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट चलती है हम भी चलते हैं। तो ये क्लोज हुआ है तो 2.84% की गिरावट आई है, वहीं नेस्डेक में देखिएगा तो 2.59% की गिरावट आई है। ये नेस्डेक देखते हैं ऑल टाइम हाई पे है, अपने ऑल टाइम हाई पे है, सिर्फ शुक्रवार को ये क्लोज हुआ है गिरावट में, मतलब निगेटिव में। तो हमारा मार्केट तो शनिवार को खुला नहीं, क्योंकि ये हमारा जो मार्केट होता है दिन में ही क्लोज होता है, ये शुक्रवार को उसके बाद मतलब रात्रि में ये क्लोज होता है। तो इस तरह से हमारा जो रिस्पांस होगा मार्केट का सोमवार को इस पे देखने मिलेगा। डॉ जोन्स में भी गिरावट, और हमारा जो निफ्टी है वो देख सकते हैं, निफ्टी अभी हमारा है 10,383, ये निफ्टी हमारा चल रहा था कितना, 12,400। तो निफ्टी भी अपने जो हाई है उसके करीब है, ना कि लो के। लो हमारा 7500 बनाया था, 7500 से ये काफ़ी ऊपर जा चुका है और अपने हाई 12,400 के करीब पहुँचने की कोशिश कर रहा है। वहीं सेंसेक्स देख सकते हैं 35,000 चल रहा है, ये सेंसेक्स 42,000 था, तो ये भी जो, और इसका जो लो था नीचे काफ़ी नीचे था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो भी काफ़ी रन किया है। जो अपना ये गिरावट आया था वहाँ से 25,000 देख सकते हैं, वहाँ से 10,000 ऊपर जा चुका है और मात्र 7,000 पॉइंट नीचे है। तो अब हमारा निफ्टी और सेंसेक्स ये भी काफ़ी रैली किया है, और डॉ जोन्स ये तो देख सकते हैं काफ़ी और रैली ज़्यादा किया है। और लॉन्ग टर्म का चार्ट जैसे आप लगाएंगे तो ये भी सेफ रिकवरी दिखाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ देखते हैं फिर से धीरे धीरे इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई है। नैसडेक ये तो अपने 52 वीक हाई पर चल रही है, फिर ये एक दो दिन में इसमें गिरावट आई है, मात्र एक दो दिन पीछे आप देखेंगे तो अब ये यहाँ से देख सकते हैं पीछे दो तीन दिन से इसमें गिरावट स्टार्ट हुई है, नहीं तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था नैसडेक। तो ये सारे सिनेरियो है जो कि आगे बताएगा कि क्या होने वाला है। तो आपको पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट पे और जो कंडीशन है अपने आसपास उस पर ध्यान रखनी है। उसके बाद जो कोरोना वायरस का केस है, यहाँ देखते हैं यूएसए 25,96,000, मतलब 26 लाख पहुँच चुका है, जहाँ 1,28,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,81,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। तो वहीं ब्राज़ील 13 लाख हो चुका है, रसिया 6 लाख से ऊपर, इंडिया 5 लाख से ऊपर, और इंडिया जस्ट ही
10 से 15 दिन में हमको लगता है कि ये रसिया को क्रॉस करके इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो जैसा सिचुएशन यूएसए में है कि कोरोना वायरस का केस तेज़ी से बढ़ रहा है, डेली का 30 से 40,000, ब्राज़ील डेली का 30 से 40,000, रसिया डेली 8 से 10,000, इंडिया डेली 15 से 20,000। तो समझ सकते हैं ऐसे में इंडिया तीसरे नंबर पर जल्द ही पहुंच जाएगी। तो ये टॉप तीन इंडिया, ब्राज़ील और यूएसए अभी रहने वाला है फिलहाल के लिए। तो समझ सकते हैं जिस तरह का सिचुएशन यूएसए में है उसी तरह का सिचुएशन हमारे भी यहाँ भी है। कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है यूएसए में भी और हमारे यहाँ भी। जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, कोरोना वायरस केसेस इतने बढ़ रही है, फिर भी हमारा मार्केट जो है, जो स्टिमुलस पैकेज है यूएसए में भी और हमारे मार्केट में, वो मार्केट को बूस्ट कर रहा है। तो ये बबल कब तक चलेगा, मतलब ये कब तक बूस्ट होता रहेगा, तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसमें 1,59,000 केस है जो कि सबसे टॉप पे है। 7,000 आदमी की मृत्यु हो चुकी है महाराष्ट्र में, 84,000 आदमी रिकवर। वहीं इंडिया में 5,29,000 केस, 3,10,000 रिकवर हुए हैं, 16,000 आदमी की डेथ हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड देख सकते हैं 10 मिलियन पहुंच चुका है, जिसमें 5 मिलियन रिकवर हुआ है, और जो हमारा देख सकते हैं 4,97,000 आदमी की मौत हो चुकी है। तो ये है बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन है हमारे यहाँ का और जो ग्लोबल का, वो पूरी मतलब हम वर्ल्ड में कहें तो बहुत ही ज़्यादा अभी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो अब हमारा मार्केट जो कहा जाता है कि ये मार्केट जो हमारा उसका पैरामीटर होता है, जो बैरोमीटर कहते हैं ना, जो बैरोमीटर होता है हमारे मार्केट का, तो ये कब तक बबल चलता रहता है, जबकि हमारे स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो रही है हमारे यहाँ भी और पूरे जो ग्लोबल है मतलब पूरे वर्ल्ड है उसमें भी। तो कब तक हमारा स्टॉक मार्केट में तेज़ी बनी रहेगी, ये आपको देखना है। अगर तेज़ी ख़त्म होती है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो आपको भी वैसे कमज़ोर स्टॉक्स जो भी आप खरीद लिए होंगे उससे बाहर आ जाना चाहिए। अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई है, और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ही बंद है, फैक्ट्री भी बंद है, और जो हमारा वाहन है उसका जो चालन होता है, यातायात की जो सुविधाएं देती है वो भी बंद है, मतलब सर्विसेज भी बंद है, उसका सेल्स भी बंद है। तो ऐसे में आपको भी इस पे ध्यान रखना चाहिए, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन के अनुसार आपको भी काम करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको आगे के डिसीजन लेने में। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा वेट करें, 2 महीने 4 महीने वेट करें, मतलब मौके का इंतज़ार करें। जब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे स्टॉक्स मिलेंगे तब आपको बाय करना है, क्योंकि आप तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि आपको 15 दिन 10 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो आपको वेट भी करना पड़ेगा उतना कि आपको जो वैल्यूएशन मिले वो चीप वैल्यू पर स्टॉक्स मिले। इसी उम्मीद के साथ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको डिसीजन लेने में, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।